जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में भारत माला परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे सुनौली से गोरखपुर के फोर लेन के संबंध में NHAI के अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि फोर लेन सड़क के निर्माण की योजना बनाते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए कि आबादी के क्षेत्रों में कम से कम नुकसान हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि फोर लेन के DPR निर्माण में विशेष ध्यान रखा जाए कि जगह जगह पर लोगों की सुविधाएं एवं खाने पीने की व्यवस्था भी हो सके, होटल शौचालय आदि भी इनके साथ बनवाए जाए जिस पर लोगों को सफर करने में आसानी रहे। उन्होंने कहा कि भारत माला परियोजना के अंतर्गत बन रहे इस सड़क से काफी लोगों का आवागमन रहेगा और लोग नेपाल तक जाएंगे, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग की पहचान भी मिलेगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों के अलावा NHAI के अधिकारी भी मौजूद रहे। चैंपियन का नगर है, दोनों पास होती है, वही गांव है रावतगंज जिगुली जंगल जंगल जजवा पीपीगंज का शाहगंज पड़ेगा कोड़िया जंगल है, कोड़िया को भी आबादी जाते हैं, पीपीगंज से पहले पड़ता है आबादी का कितने मकान इसमें प्रभाव पड़ा उसके पहले सर जो पेट्रोल राइट हो जा रहा है जंगल कोरिया का किधर तक आएगा आपका जंगल कोरिया सर जो पहले एसआर का पंप है सर पंप तक आएगा वहीं से पंप के पास तो रोड जाएगा ये नया बना है ग्रीन फील्ड है ये तरफ नेपाल के गेट पे टेक तो ये इसका उसका यदि RU भी नहीं तो RO भी नहीं तो कुछ प्रोविजन देना पड़ेगा नहीं तो कैसे जाएंगे क्रॉस कर वो ऐसे पैरेलली प्रपोज करें ताकि जो किसी आबादी से तो उसका आना जाना एक ही साइड सड़क को सेंट्रल बनाए ताकि हमारा जो नुकसान हो सर एक ही तरफ का हो। तो ऑलरेडी सर सड़क सब एग्जिस्ट कर रही है हमारा, तो इधर से अगर सर
आबादी के मिनिमम नुकसान हो जाए जी जी सारी आबादी का टच ही ना करें हमारे आबादी जहाँ कम हो आबादी हर साल कम तो बनाने से क्या है कि आपकी क्रिकेटिंग कम होती है आपका जो आबादी कम रहेगा और इस साइड में आप जाके देखेंगे गोरखपुर साइड पर वैसे आबादी सर बाएँ साइड में है बारह गुजर बारह